इंदौर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 198वां जन्मोत्सव संपन्न हुआ। इस उपलक्ष में मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रकाश आर्य आमंत्रित थे। अन्य महापुरुषों ने हमें डूबने से बचाया, किंतु युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो हमें तैरना सिखाया, एक सीधा सरल वेद मार्ग बताया, जिस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन का, समाज का एवं राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। वेद से ही सभी का मूल है, जिसको जानकर समझकर आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। उपरोक्त विचार आर्य समाज संचार नगर कनाडिया रोड इंदौर के तत्वाधान में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती के 198 जन्मोत्सव के उपलक्ष में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित श्री प्रकाश आर्य ने व्यक्त किए हैं। यजमाना नाम कामः, हे पावन परमेश्वर, यजमानों की संपूर्ण शुभकामनाएं सत्य हो, सफल हो और पूर्ण हो। परमेश्वर इनको शक्ति, भक्ति, विद्या, बुद्धि, आयु, आरोग्यता प्रदान करे। सड़कों के निर्माण से भारत का निर्माण नहीं होता, फैक्ट्रियों के निर्माण से भारत का निर्माण नहीं होता। अरे जिस देश के नागरिक कमजोर हो रहे हों शारीरिक रूप से, व्यभिचार के फिल्मों को देख देख कर अपना दिमाग खराब कर रहे हों, जिनका मस्तिष्क ऊंचा नहीं बन रहा हो, शारीरिक और मानसिक रूप से जिस देश में कमजोरी आ रही हो, उस देश को महान कैसे कहा जा सकता है। अरे जिस देश में कभी चरित्रवान और विद्वान ही हुआ करते थे, आज ढूंढने से संभव नहीं हो रहे हैं, तब देश महान कहां बन रहा है। देश को महान बनाना है तो हमें महर्षि देव दयानंद जी महाराज की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने हमें वो सारे सूत्र उपलब्ध कराए हैं जिनसे हमारा देश महान बन सकता है।